हाय गाइस, आज हम बनाएंगे बिरयानी, वो भी इतने आसान तरीके से कि बच्चे भी बना लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज लिया है और प्याज को लंबा लंबा चॉप कर लिया है। यहाँ पर आप अब पनीर लेंगे जो कि 100 ग्राम पनीर है, और थोड़े से आलू लेंगे। आलू को भी चौकोर चौकोर से हम इसको काट लेंगे, और थोड़े से गोभी लेंगे। तो ये सारी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद जब हम गोभी और आलू को मिक्स करके रखेंगे गरम मसाले में, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च, ये सब करके इसके अंदर मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये इसमें मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसको हमने तैयार कर लिया है। अब आप अपने स्वाद अनुसार मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऑयल लिया है, और ऑयल लेने के बाद इसमें हम अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज फ्राई हो गया है, और ये इतनी आसान है रेसिपी कि आप बच्चों को भी कहेंगे तो वो भी बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वेजिटेबल्स, वो हम इसमें डाल देंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसको फ्राई करने के बाद इसको टिश्यू पे निकाल लेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। तो अब इसको हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम अलग से एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब लेके इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा जो बारीक चॉप किया हुआ प्याज है वो डालेंगे। दो तरह से चॉप होगा प्याज, एक तो लंबा लंबा डालेंगे जो कि फ्राई करके हम रख लेंगे, डार्क ब्राउन फ्राई करेंगे उसको, और ये हम छोटा छोटा चॉप करके इसमें डाल देंगे। और साथ ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लेंगे थोड़ा दही, एक कटोरी दही लेंगे। दही के अंदर हम इसमें मिक्स करेंगे बिरयानी मसाला, क्योंकि हम यहाँ बिरयानी बना रहे हैं। और इसमें साथ ही में थोड़ा सा नमक, जो कि हम बाद में डालेंगे, अभी क्योंकि हम डाल देंगे तो दही हमारा फट जाएगा, तो इसीलिए हमने इसमें बिरयानी मसाला ही ऐड किया है बस। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने राइस लिए थे, राइस को हमने धो कर के थोड़ी देर के लिए भिगो कर के रख दिया था, वो इसमें एक लेयर डालेंगे। और इसको डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से जो हमने ये वेजिटेबल्स ली थी, वेजिटेबल्स को डालेंगे। अच्छा, जो दही हमने फ्राई किया है ना, फ्राई जब हो जाएगा उसके बाद हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, वो मैं बताना भूल गई थी। तो नमक ऐड कर दिया है, उसके ऊपर हमने चावल की एक लेयर डाल दी है, वेजिटेबल्स जो फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए हैं, और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज फ्राई किया था, प्याज और हरा धनिया। फिर इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, फिर एक लेयर हम इसमें चावल की डालेंगे, और उसी के साथ फिर सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, और वेजिटेबल के ऊपर फिर प्याज डालेंगे जो कि फ्राई प्याज है वो डालेंगे, और फिर इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें लेयरिंग करेंगे, और लेयरिंग करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से हम इसमें बिरयानी मसाला फिर से ऐड कर देंगे, और फिर इसमें हम एक बार लेयर डाल देंगे चावलों की। और अब इसको हम इस हिलाएंगे नहीं, जब ये सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना हमने चावल लिया है उसके डबल हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी जो ऐड करेंगे वो हम साइड से ऐड करेंगे, क्योंकि वो हिलना नहीं चाहिए, पूरा प्रॉपर साइडों से हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब इसको हम ढक के पका लेंगे, धीमी आँच पर पकाएँगे, ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं इसको रखेंगे, मीडियम जो हमारी स्लो फ्लेम से थोड़ा मीडियम जो होता है उस पर रखेंगे, और इस तरह से हमारा ये पक के तैयार हो जाएगा। जब तक तैयार हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, और लीजिए हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है, जो कि हमारे बच्चों ने बनाई है। और आप इसका इंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करना ना भूलें।